दैनिक स्वागत है, मैं भावना। खबर की शुरुआत करते इस खबर तो हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों नु वड्डा तोहफा दिता है। दरअसल सरकार ने गन्ने दिया कीमतां विच 12 रुपए का वादा किया है। इस वादे तो बाद हरियाणा विच गन्ने का रेट 362 रुपए हो गया है। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल वालों ऐलान किया गया है कि जेपी दलाल ने कहा कि हुण किसानों नु मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी मुंह मिठा करवाना चाहिए है। दस दिए कि हुण हरियाणा विच गन्ने का रेट एक बार फिर पंजाब नालों वध गया है। वधे अगली खबर वाल, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर खेती कानूनों नूं लैके केंद्र सरकार नूं घेरिया। सरकार नूं सवाल करते हुए उन्होंने ट्विटर ते एक वीडियो शेयर की है, जिस विच उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि वह किसानों की आमदन वधाना चाहती है, पर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कोल किसानों का कोई वित्तीय आंकड़ा ही नहीं। वित्तीय आंकड़े का आखिरी सर्वेखन मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान किया गया सी। उन्होंने पूछा कि जेकर केंद्र कोल किसानों की वित्तीय हालात बारे कोई डाटा नहीं है तो खेती कानून किवें बनाए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वालों ऐलाने MSP 12 साल सब तो घट है, ये सिर्फ 2% ही वाधा किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दौरान जिस तरह महंगाई में वाधा होया है कि किसानों की आमदन भी इस तरह वधी है। प्यारे पंजाबी, मोदी सरकार कहती है कि वह किसानों की आमदन दुगना करना चाहती है, पर खेतीबाड़ी मंत्री श्री नरेंद्र तोमर अनुसार उन्होंने मंत्रालय के कोल किसानों की वित्तीय स्थिति दर्शाउंदा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं। ये उन्हां दी पार्लीमेंट की स्टेटमेंट है भाई जी। अजिहा आखिरी सर्वेखण मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किया गया सी। जेकर तुहाडे कोल किसानों की वित्तीय स्थिति बारे कोई जानकारी नहीं या आंकड़ा नहीं, तो तुसीं किसानों की आमदन दुगनी करन दा जुमला छड्ड के ये खेती कानून किवें बणाए, ये वड्डा सवाल है। तुसी अंबानी ते अडानी वर्गे कारपोरेटा बारे सब कुछ जानते हो, जिन्हां दे हवाई जहाजों के घूमते हो, जिहड़े थोड़ी कंपेन रन करते हैं, हर आंकड़ा उन्हां बारे थोनू पता है। निर्माण अते सेवा खेतर पहला ही कारपोरेटा के हाथों के विच है। हुण थोड़ी नज़र खेतीबाड़ी खेतर ते है, जो इस समय सब तो वध लाहेवंद धंधा है। 2022 वो सन है जिथे मोदी सरकार ने किसानों की आमदन दुगनी करन दा वायदा किया सी। मोदी सरकार द्वारा अज जिहड़ी MSP अनाउंस की गई है, वह 12 साल अगर देखा जाए सब तो घट 2% भाव 40 रुपये वाधा किया गया है। हुण मैं लागत ते आउणा। जो तुसी लागत नूं देखदे हो तो अप्रैल 2020 दे विच डीजल का रेट 63 रुपये प्रति लीटर सी, मौजूदा दर 92 रुपये प्रति लीटर, यानी कि जिहड़ी लागत वधी है वह डीजल के उत्ते कल्ले 48% एक साल दे विच। मैनू नहीं लगता कि जदों देश आजाद होया किसी एक साल दे विच 30 रुपये डीजल वधिया होवे। जदों सरदार मनमोहन सिंह की सरकार सी 2014 च और मोदी सरकार आई है तो डीजल के रेट 50 तो थोड़े जे उत्ते 53 रुपये से। हुण सरों के तेल के उत्ते आने और ये सारिया लागत ने जिहड़ियां किसान के उत्ते रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच पैंदियां ने। सरों का तेल 174% महंगा एक साल के विच, हैरानी क्यों। DAP 140% महंगा खाद। सूरजमुखी का तेल 170% महंगा एक साल के। LPG का सिलेंडर वीरो 9 महीनों के 190 रुपए का वाधा। जिस अनुपात के नाल वस्तां की कीमत के वाधा होया कि किसानों की आमदन के उस अनुसार के नाल वाधा होया। इस तो बाद सिद्धू ने अकाली दल से वार करदिया कहा कि खेती कानून लियाउण विच बादलां दी सहमति सी, हुण सियासी लाहा लैण दे लई झूठे अथरू वहा रहे ने। जदों इह ऑर्डीनेंस आए तो एक महीने बाद 2020 दे विच जुलाई च ऑल पार्टी मीटिंग चंडीगढ़ दे विच होई, तो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार का पूरी तरह पक्ष पूरिया टका के प्रशंसा की, और उहदे विच किसान यूनियनां भी सी
और हर पार्टी मौजूद सी। जदों रेजोल्यूशन पिया सेंटर की सरकार के खिलाफ तो इन्हें अपने आप को विड्रॉ किया, ये तुहानू याद करवाना चाहुंदा। तीन खेतीबाड़ी कानून सुखबीर सिंह बादल ने सीनियर लीडरशिप समेत प्रेस कॉन्फ्रेंसा कीतियां अते खुल्लेआम खेती कानून की प्रशंसा की। 3 सितंबर 2020 नूं प्रकाश सिंह बादल ने मोदी सरकार के पक्ष के विच अपना वीडियो अपलोड किया, जनतक है कोई भी देख लवे। तो फिर खेती कानून 7 सितंबर 2020 हरसिमरत बादल ने सोशल मीडिया से अपना वीडियो अपलोड किया और खेती कानून की डट के प्रशंसा की। ये 3 सितंबर 7 सितंबर कर रही है, तो 17 सितंबर हरसिमरत बादल अस्तीफा दें। वो अस्तीफा मजबूरी दे विच लोकां दे डर तो दिता गया, वो कोई स्वै इच्छा दे नाल दिता गया अस्तीफा नहीं सी, क्योंकि जदों ऑर्डिनेंस होए उस तो 6 महीने तक तो तुसी तरीफा ही करते रहे हो इन्हां दीआं। ते बाद दे विच जदों देखिया भी लोग हुण बाहर नहीं निकल दिंदे ते मजबूरी दे विच तुसी अस्तीफा दिता। मैं इस तो भी अगे जाना, हरसिमरत बादल ने 3 थावां दे उत्ते दस्तखत किए है जड़े के आम लोगों मैं अवगत करवाना चाहना समर्थन दे विच इन्हां 3 खेती कानूनों दे। पहली बार फूड प्रोसैसिंग मंत्री वजों बिल दे खरड़े दे उत्ते हरसिमरत बादल ने साइन किए, दूजी बार कैबिनेट दे विच जदों ऑर्डिनेंस आया उदों साइन किए, तीजी बार कैबिनेट विच जदों बिल बन के सामने आया उदों साइन किए। जे वो खेती कानूनों के विरोध ही करती सी तो वो असहमति नोट क्यों नहीं छापिया, वो डिसेंट नोट अज क्यों जनतक नहीं करते। ये सवाल ने जेडे पंजाबियों के सामने ने और पंजाबियों नू इन्हां दे उत्तर चंगी तरह पता। अगली खबर वाल रुख करते हैं, कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी अज माता वैष्णो देवी दे दर्शन करेंगे, अज शाम नूं होने वाली विशेष आरती विच ओ हिस्सा लैणगे अते फिर उत्थे ही बने पवन विच आराम करेंगे। अज दोपहर नूं ही ओ जम्मू पहुंचे, जिथे पहुंचन ते उन्हां दा जोरदार स्वागत किया गया अते फुल्लां दी वर्खा की गई। इस तों बाद उन्हां कटड़ा तों पैदल यात्रा शुरू की। इस मौके उन्होंने कहा कि उन्हां दा कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, ओ सिर्फ माता वैष्णो देवी दे दर्शन करन आए ने, इसलिए कोई राजनीति स्टेटमेंट नहीं देंगे। मैं माता के दर्शन करने आया हूं, तो देखते हैं। बीजेपी का क्या कहना है माता राहुल जी, माता राहुल जी बीजेपी का कहना है आप चुनावी हिंदू है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी के स्टेटमेंट? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं करता हूं और मैं यहां कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। कनाल लाठीचार्ज के विरोध में किसान ने मिनी सकत्रे दे बाहर डेरा लाया होया है। तीजे दिन भी किसान SDM आयुष सिंह विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे ने। इस दौरान सियासी पार्टियां भी इस मामले विच कूद चुकियां ने अते एक दूजे ते दोष लाने का दौर भी शुरू हो गया है। इस कड़ी विच कांग्रेस के मुख्य बुलारे रणदीप सुरजेवाल ने दोष लाया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने SDM नूं किसानों का सिर पाड़न दे आदेश दिते सी, इस कारण उस अधिकारी विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। में आप सड़कें खुदवाते हैं, कभी पत्थर बिछवाते हैं, कभी ईंटों के ट्रक लगवाते हैं, कभी कील और नस्टर लगवाते हैं, कभी उनका सर तोड़ने और फोड़ने का आदेश करते हैं, कभी किसानों पर पानी की बौछारें करवाते हैं और अब खुले आसमान ईश्वर के आश्रय बैठे किसान की को बिजली या पंखा भी ना चल सके, लाइट ना जल सके, अब लाइट कटवाते हैं। ये मोदी और खट्टर सरकारों की मंशा और उनकी दुर्भावना को दर्शाता है। पहले किसानों का सर तोड़ने और फोड़ने का आदेश दिया गया एक SDM के द्वारा और अब नया वीडियो सामने आया है जिससे साफ है कि ये आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे, यानी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी द्वारा। जब रक्षक भक्षक बन जाए, जब कानून के शासक कानून और संविधान की बजाय लठ से और सर तोड़ और फोड़ कर शासन करें तो प्रजातंत्र रह ही कहाँ जाएगा। हमारी ये मांग है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आए, किसानों से बगैर शर्त इस प्रकार के गैर कानूनी आदेश देने के लिए माफ़ी मांगें, उस अधिकारी को सस्पेंड करें, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करें। किसानों से बातचीत कर, हमारे एक किसान भाई जिसकी
मौत हुई है उसके परिवार को मुआवजा और रोजगार दें और इस पूरे मामले को ख़त्म करें। अधिकारी कसूरवार नहीं, सबसे बड़े कसूरवार तो शासक खुद हैं, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला। अब तो अधिकारियों ने ये मान लिया, तो फिर अब तो इंक्वायरी का कोई गुंजाइश रही नहीं। एक वीडियो है जहां एसडीएम सर तोड़ने और फोड़ने की बात कर रहा है, और अब एक और वीडियो है जहां डिप्टी कमिश्नर कह रहा है कि ये आदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री से आया था। तो अब इंक्वायरी की कहां गुंजाइश है, अब तो निर्णय कीजिए। ਇਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ 362। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਏ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।